खबर बड़वानी से मिल रही है, जहां डेंगू से बालक की मौत से नाराज जीजा ने साले पर चाकू से हमला कर दिया। बड़वानी के चांदसाह मोहल्ले की पूरी घटना। घायल तालिब की मां मुमताज के अनुसार उनकी बेटी को चांदसाह मोहल्ला निवासी जवाई आबिद मार रहा था और आरोप लगा रहा था कि तूने मेरे बेटे को मार डाला। जीजा को समझाने वाला साला तालिब गया तो जीजा आबिद और उसके परिजन ने तालिब पर चाकू से हमला कर दिया। घायल अवस्था में तालिब को परिजन बड़वानी कोटवाली पहुंचे, वहां से ज़िला चिकित्सालय ले जाया गया। तालिब का उपचार फिलहाल जिला अस्पताल बड़वानी में जारी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरा नाम मुमताज है, यहाँ ही रहते, बड़वानी रहते, रानीपुरा। क्या घटना हो गई, ये लड़का कौन सा चाकू मारा? मेरा बेटा है। क्या नाम है इसका? तालिब हैगा। क्या हो गया इसके साथ? अरे वो तो खाना खाने बैठा था। हाँ। खाना ही खा रहा था, एक निवाला ही लिया उसने, खाना खाते बैठा ने, फिर तो वो उसके घर से, मैं अभी आई मेरी छोरी के घर से, उसका छोरे का इंतकाल हो गया। हाँ। 2 साल का था, तो हमने इतना इलाज करा, हमने ही सब पैसा लगाया, हमने इलाज करा, जब भी नहीं बचा तो वो कहता तूने मेरे छोरे को मार डाला, तूने मार, तो कोई माँ अपने बच्चों को मारती क्या? कोई माँ उसका पति कहता। क्या नाम है पति का? वो आबिद हैगा, वो चांदसा मोहल्ले में रहता है। आबिद मंसूर का सरनेम क्या लिखता? मंसूरी, मंसूरी। और दूसरी बात कि वो समझाने का था कि मेरी बहन को मार क्यों रहा भाई तू, अभी तो हम तेरे घर से आए, फातिया थी। जीजा ने साले पे हमला करा। हाँ, जीजा ने साले पे हमला करा और 3 जगह चाकू मार दिया उसको, तो सबने मिल के, वो अकेला था, सबने मिल के मार लिया। पीछे पीछे गया तो इसको भी लट मार दिया हाथ में, इसको भी यहाँ लट मार दिया हाथ में। अब ये 2 बच्चे, वो बड़े बड़े आदमी ना, 4-4 बच्चे के बाप होने, मेरे बच्चे छोटे छोटे सीधे। आपकी गुड़िया की हालत कैसी है? क्या मतलब, मैं तो यहाँ हूँ, उसके क्या मतलब, उसको खूब मारा है, बाल पकड़ पकड़ उसको तो हमेशा ही मारता वो। ये क्या आरोप लगा रहे कि आपने उसके, क्या मालूम क्या हो जाता, जान लगा देता बच्चे का, आपके कारण हत्या हुई, इसी वैसा आरोप लगा रहे। ऐसा कहते हैं कि तुमने हमारे बच्चों को, अरे डेंगू हो गया था बच्चे को, तो हम इंदौर भी ले गए, बच्चों को पैसा भी लगाया, फिर इंदौर गए हम लेके, तब हम फिर भी नहीं, बच्चा मासूम बचा, तो क्या अपने बच्चों को हम फिर इंदौर ले गए, अपने बच्चों को बचाने वास्ते डाल दिया आप लोगों ने, सूचना दी थाने पे? हाँ दे दी हमने वहाँ। ये नौशाद मंसूरी है, इन्होंने थाने आके रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इनके बड़े पापा का लड़का जो तालिब है वो अपनी बहन को लेने चांदसा मोहल्ला गया था, तो तालिब का जो जीजा है आबिद मंसूरी और उसका जो भाई शमशेर और फिरोज, इन लोगों ने उसकी तालिब की बहन को ना भेजने की बात पे ऐसा इनमें विवाद हुआ था और फिर उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो ऊपरी चोट जो है कुछ नुकीली चीज़ चाकू जैसी कोई चीज़ है जो लगी है उसको, अभी उसकी स्थिति बेहतर है, तालिब की भर्ती है और जो आरोपी है उसको हमने कस्टडी में ले लिया है, प्रकरण पंजीबद्ध है, इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर आरोपी कौन सा? इसमें आरोपी आबिद शमशेर और फिरोज मंसूरी, 3 नाम।